Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. ये व्हाट्सअप गाइस हमारे पास है ये रियलमी का C20 और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कैसे आप इस फोन में अपनी नोटिफिकेशन को मैनेज कर सकेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके किसी भी एप्लीकेशन आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल रही हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी उस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिले तो आप ये सेटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए चलते फ़ोन की सेटिंग के अंदर और वहाँ जाने के बाद आपको वो सेटिंग कराएंगे जिसकी मदद से आप यहाँ पर अपनी नोटिफिकेशन को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, आपको यहाँ क्लिक करना है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाता है मैनेज नोटिफिकेशन, आपको मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। फिर आपको जितने भी एप्लीकेशन होंगे सारे यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं, किस एप्लीकेशन से आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है उस एप्लीकेशन को यहाँ से डिसेबल इस तरीके से कर देना है। तो जैसे कि गूगल क्रोम से आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन देखने को मिलती हैं तो गूगल क्रोम को इस तरीके से यहाँ से डिसेबल कर देना है। और किसी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलती हैं जैसे कि व्हाट्सअप वगैरह या फिर गूगल और आप नहीं जाते जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहें तो आपको यहाँ आने के बाद इसको बंद कर देना है, तो आपको उस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप यहाँ पे आने के बाद इनकी नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको देखने को मिलता है मोर सेटिंग का आइकन, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको देखने को मिल जाता है ऑटो सॉर्ट नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करके आपके फ़ोन में जो भी नोटिफिकेशन लेटेस्ट में आई हुई होगी वो आपको ऊपर टॉप पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी नोटिफिकेशन को भी कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कैसे अपने फ़ोन में आप नोटिफिकेशन को बंद और चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।